नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर पाकिस्तान के आसमान से गुजरा प्रधानमंत्री मोदी जी का विमान। करीब 46 मिनट तक पाकिस्तान के आसमान में ही, पाकिस्तान के एयर स्पेस में ही घूमता रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विमान। दोस्तों बताएंगे जिसके बाद पड़ोसी मुल्क में मचा बवाल, क्या कह रही है वहां की आवाम, तो वही बताएंगे अचानक अमित शाह जी को थैंक यू क्यों कहने लगे उमर अब्दुल्ला। चुनाव के बीच कश्मीर के सियासी गलियारों में मच गई खलबली। दोस्तों बताएंगे क्यों थैंक यू कहा उमर अब्दुल्ला ने, जबकि आपस में कट्टर भाषाओं का इस्तेमाल करते उमर अब्दुल्ला। तो दोस्तों वही आपको बताएंगे, पहले भारत के सामने हाथ जोड़ी मिन्नत किया, अब पाकिस्तान ने पीएम मोदी जी को भेज दिया है न्योता। दोस्तों बताएंगे किस चीज के लिए इनविटेशन भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान ने, तो एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत में निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के आसमान से गुजरा प्रधानमंत्री मोदी जी का विमान। करीब 46 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में घूमता रहा पीएम मोदी जी का यह विमान। दोस्तों बता दे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट जियो न्यूज के उड्डयन विभाग के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। पाकिस्तान नागरिक उड्डयन विभाग यानी PCAA से जुड़े सूत्रों ने जियो न्यूज को बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पोलैंड से नई दिल्ली जा रहा विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से होकर गुजरा था। सूत्रों ने बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री का विमान चित्राल के रास्ते पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ और इस्लामाबाद और लाहौर के ऊपर से गुजरा। मोदी जी के विमान ने सुबह 10:15 पर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। ये 46 मिनट तक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में रहा और 11:01 पर वो पाकिस्तानी क्षेत्र से बाहर चला गया। सूत्रों का कहना है कि भारत के अमृतसर हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इस्लामाबाद और लाहौर के हवाई नियंत्रण क्षेत्रों से गुजरा। बता दें कि पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरने के दौरान सद्भावना संदेश देने की परंपरा नहीं निभाई, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव की चर्चा को जन्म दिया है। डॉन ने एविएशन इंडस्ट्री के एक सूत्र के हवाले से बताया है कि सद्भावना संदेश देना एक परंपरा है, ना कि कोई मजबूरी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को इसके चलते भारत में आलोचकों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए कीव जाते समय पोलैंड की राजधानी वॉर्सो का दौरा किया था। युद्ध के चलते हवाई मार्ग से जाने के बजाय पोलैंड के वॉर्सो गए, जहां से ट्रेन के जरिए वो कीव पहुंचे थे। पीएम मोदी जी यूक्रेन की राजधानी में 7 घंटे रहे थे, जहां उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान पीएम मोदी ने शांति के पक्ष में भारत की दृढ़ इच्छा के बारे में जानकारी दी। कीव से वे ट्रेन के जरिए वॉर्सो गए थे और विमान से नई दिल्ली लौटे। इसी दौरान पीएम मोदी का विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से गुजरा। अब ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पाकिस्तानी एयर स्पेस में आने के लिए अब नई विवादों का जन्म दे रहा है। दोस्तों वो बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जबकि रियलिटी क्या है वो आपको बता दें। द न्यूज से बात करते हुए CAA के अधिकारी ने एक स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी SOP के तहत उड़ान की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि अधिकारी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। संबंधित देश के CAA को केवल पहले से सूचित करना होता है। अखबारों ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी 4 बार पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र को पार कर चुके हैं। अब ऐसे में आपको बता दें, पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने बताया कि यूक्रेन से लौटते वक्त पीएम मोदी का विमान पाकिस्तान के आसमान से गुजरा। यह खबर आते ही पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में छा गई, हर तरफ पीएम मोदी के विमान की चर्चा हो गई। दोस्तों शोएब चौधरी ने इस मसले को लेकर पाकिस्तान की आवाम से बात की। इस दौरान पाकिस्तान के एक शख्स ने शेरो शारी सुनाकर इस मसले का जवाब दिया। उसने कहा कि खेत अपने जले की औरों के जिस्त फाकों से तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़े की पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है, इसीलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। जीत का जश्न हो या हार का शौक, जिंदगी मैयतों पर होती है। दोस्तों इस पाकिस्तानी शख्स ने मोदी जी की यूक्रेन यात्रा की तरफ इशारा करते हुए शेर सुनाकर ये बताने का प्रयास किया कि जंग होनी नहीं चाहिए। जी हाँ, तो वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दे, अचानक अमित शाह जी को थैंक यू क्यों कहने लगे उमर अब्दुल्ला। चुनाव के बीच कश्मीर के सियासी गलियारों में मची खलबली। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह स्वागत योग्य बात है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र पढ़ा और उन्होंने इसका उल्लेख किया। उमर ने मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में चुनाव प्रचार के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के बारे में बात की है। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अमित शाह का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देश के एक कोने में चुनाव लड़ रही छोटी पार्टी के घोषणा पत्र का उल्लेख किया, जिसका मतलब है कि इसने उन्हें आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने हमारे बारे में जो भी कुछ उल्लेख किया है वो सब हमारे घोषणा पत्र में नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री पर कटाक्ष किया कि अमित शाह जी ने जो एक्स पर लिखा तो मैंने एक बार फिर हमारे घोषणा पत्र को पढ़ा और सुनिश्चित किया कि मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उन्होंने
उल्लेख किया है, हम नाम बदल रहे हैं लेकिन देश के गृह मंत्री जैसे व्यक्ति द्वारा हमारी पार्टी के घोषणा पत्र को पढ़ना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। अब ऐसे में दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के बारे में बात क्या की कि उमर अब्दुल्ला अमित शाह जी को थैंक यू कहने लगे, जिसके बाद चुनाव के बीच इन कश्मीर के सियासी गलियारों में खलबली तो मच ही गई। तो वहीं आपको बता दें असम में धराए दो बांग्लादेशी नागरिक, हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा वापस भेज दिया उसको। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले दो बांग्लादेशी नागरिकों को असम में पकड़ा गया और उन्हें उनके देश वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि दोनों को बदरपुर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया और शुक्रवार रात को बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। हेमंत बिश्व शर्मा ने एक्स पर लिखा कि असम पुलिस ने बदरपुर रेलवे स्टेशन पर दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान बांग्लादेश के मॉडलगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक इलाके के निवासी मासूम खान और ढाका की सोनिया अख्तर के रूप में हुई है। शर्मा ने कहा कि वे कथित तौर पर माधोपुर अगरतला मार्ग से भारत में प्रवेश कर गए थे और बेंगलुरु जा रहे थे। जी हां, तो वहीं दोस्तों बता दें बांग्लादेश में फैल रही भारत की विदेश नीति, जी हां बीएनपी नेता ने उगला जहर, कहा संबंधों में सुधार इतना आसान नहीं। जी हां, बांग्लादेश में आंतरिक कलह देखा गया है, आरक्षण विरोधी प्रदर्शन ने शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया। इस कारण बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा। इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बांग्लादेश के प्रति भारत की आधिकारिक नीति पूरी तरह फेल रही है। उनके मुताबिक नीति को बनाने में शक्तिशाली सिविल सेवक, सेवानिवृत्त राजनयिक, विचारक और पत्रकार शामिल थे, जिन्होंने जमीन पर राजनीतिक नब्ज को महसूस किए बिना सुरक्षा को प्राथमिकता दी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बीएनपी के विदेशी मामलों के सेल के प्रमुख अमीर खसरू महमूद चौधरी ने भारत से बांग्लादेश में प्रचलित लोकप्रिय भावनाओं की सराहना करने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया है कि बांग्लादेश में पिछले दशक में सभी तीन चुनाव धोखाधड़ी वाले थे, जहां भारत ने एक समर्थक की भूमिका निभाई। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें एससीओ बैठक के लिए पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजा न्योता, क्या पड़ोसी देश का दौरा करेंगे पीएम मोदी जी? बता दें पहले लाखों बार मिन्नत की पाकिस्तान ने, अब मोदी जी को निमंत्रण भेजा है। दरअसल भारत पाकिस्तान के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे, सभी जानते हैं। भारत पर हुए आतंकी हमलों के सूत्रधार वहीं पर पाले पोसे जाते हैं। पड़ोसी ने छल कपट के सहारे कई बार भारत को हराने के सपने देखे। भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार चलाना उसकी फितरत है। नापाक एजेंडा चलाने के चक्कर में पाकिस्तान को हर बार लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। इसके बावजूद वो सुधरने को राजी नहीं है। एंटी इंडिया मुहिम के बीच पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्योता भेजा है। पाकिस्तान अक्टूबर के महीने में समूह के प्रमुखों की परिषद की बैठक की मेजबानी कर रहा है, इसीलिए शहबाज शरीफ की सरकार ने कार्यक्रम में आने का निवेदन किया है। अब इस न्योते को मोदी जी स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवाल अपनी जगह बना हुआ है। 15 से 16 अक्टूबर के बीच इस कार्यक्रम को लेकर विदेश मंत्रालय का आधिकारिक जवाब आने से पहले फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि मोदी इस आमंत्रण को इग्नोर कर सकते हैं। अभी तक के संबंधों और हालातों पर गौर करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के इस्लामाबाद जाने का सवाल ही नहीं है। शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के ठीक ठाक तालमेल के बावजूद भारत पाकिस्तान में मेल मिलाप की संभावना ना के बराबर है। भारत का दोटू कहना है कि पीओके पर उसके अवैध कब्जे के अलावा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों पर नजर रखने वालों का मानना है कि यूं तो वो राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलनों में नियमित रूप से शामिल होते हैं, लेकिन वो इसी साल कजाकिस्तान में आयोजित सम्मेलन का हिस्सा नहीं बने। हालांकि इसकी वजह जुलाई में शुरू हुए संसद सत्र की तारीखें थी। इस बार भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से छोटे शरीफ की बैठक को बाईपास किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में भारतीय सेनाओं के शहादत का बदला पाकिस्तान से मिलकर तो नहीं लिया जा सकता, उसको उसके अंदाज में ही जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर पाकिस्तान जाते, उस मीटिंग में जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय सेनाओं जो शहीद हो गए दोस्तों उनके शहादत का फिर क्या होगा? तो वहीं अगर वाकई में पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता तो वो बॉर्डर को पहले स्ट्रॉन्ग करता, बॉर्डर के पास किसी भी प्रकार से भारत पर आक्रमण नहीं होता, ये सुनिश्चित करना पाकिस्तान का काम था। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भारत आगे से जाकर पाकिस्तान पर वार कर रहा हो जबकि भारत की तरफ से चीजें शांत हैं। कुछ भी चीज सबसे पहले पाकिस्तान की ओर से ही होती है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की शहबाज सरकार इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में आपके हिसाब से आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पीएम मोदी जी पाकिस्तान जाएंगे इस मीटिंग में? देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है। तो वहीं आपको बता दें FBI ने निजर के सहयोगी पर हमले की जांच शुरू कर दी। ड्राइव बॉय शूटिंग में सतिंदर राजू ने किए नए खुलासे दोस्तों। कैलिफोर्निया के योलो काउंटी में 11 अगस्त को हुई एक ड्राइव बॉय शूटिंग की FBI ने जांच शुरू कर दी है। इस हमले में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर के करीबी सहयोगी सतिंदर पाल सिंह राजू को निशाना बनाया गया। निज्जर की हत्या पिछले साल ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में उनके गुरुद्वारे के बाहर की गई थी और इस हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसका संबंध भारत से जोड़ते हुए बयान दिया था। सतिंदर पाल सिंह राजू ने बताया कि FBI एजेंट गुरुवार को उनके और उनके दोस्त से मिले। राजू और उनके दोस्त ट्रक में यात्रा कर रहे थे जब उन पर हमला हुआ था। तो दोस्तों वहीं बता दें इजराइल में मचा हाई अलर्ट, नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध, लेबनानी सीमा के समुद्री तट पूरी तरह से
सील। जी हाँ, इजराइल और लेबनान में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। दोनों ओर से एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसी बीच इजराइल के होम फ्रंट कमांड यानी नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बल ने राजधानी तेल अवीव और विशेष रूप से उत्तर क्षेत्र की ओर रहने वाले नागरिकों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। रॉकेट हमलों के जवाब में लेबनान में इजराइल ने 100 फाइटर जेट से अटैक किया है, जबकि ईरान समर्थित ग्रुप हिजबुल्ला एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। इसके बाद जवाब में हिजबुल्ला ने लेबनान से इजरायली क्षेत्र की ओर 320 से अधिक कत्यूशा रॉकेट दागे। मिसाइलों और विस्फोटकों से लदे ड्रोनों की बौछार की जिम्मेदारी लेते हुए हिजबुल्ला ने कहा कि उसने अपने सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के जवाब में हमला शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेतन्याहू के किले पर रॉकेट ड्रोन की बौछार तो हुई, लेकिन हिजबुल्ला ने आज का ही दिन क्यों चुना? जी हां, बता दें कि दरअसल रविवार का दिन शिया मुस्लिम समुदाय के लिए एक विशेष महत्व रखता है। यह दिन इमाम अल हुसैन की हत्या के 40 दिनों बाद मनाए जाने वाले अरबीन के दिन के साथ मेल खाता है। हिजबुल्ला ने इस दिन को शहादत के रूप में चुना है, जो उनकी ओर से एक सांकेतिक संदेश माना जा रहा है। इसीलिए आज का दिन रविवार का दिन इस हमले के लिए हिजबुल्ला ने चुना है। दोस्तों तो वहीं बता दें, अमेरिका ने दोस्त इजराइल के चारों ओर से खड़ी कर दी सुरक्षा की दीवार। हमला किया तो नहीं बचेगा ईरान। जी हां, 4 साल पहले सितंबर 2020 में इजराइल ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके फायदा उसे अब क्षेत्रीय तनाव के दौरान मिल रहा है। इस समझौते ने इजराइल की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोपीय कमांड से सीधे अमेरिकी सेंट्रल कमांड के पास पहुंच गई। इसके साथ इजरायली सेना मध्य पूर्व में पश्चिम समर्थक सैन्य गठबंधन में एक सक्रिय भागीदार बन गई है। इसने इजराइल के चारों तरफ सुरक्षा की ऐसी दीवार खड़ी कर दी है, जिसकी पहली झलक दुनिया ने 13 से 14 अप्रैल की रात को देखी, जब ईरान और उसके सहयोगियों ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन से हमला बोल दिया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और मध्य पूर्व में सुन्नी अरब देशों के सहयोग से इजराइल ने यह हमला पूरी तरह विफल कर दिया था। दोस्तों वही बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों पर आया अंतरिम सरकार का बयान, कहा उपवास और पूजा करने में कोई समस्या नहीं है, हर कोई अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन और प्रचार करेगा, यह सभी नागरिकों का अधिकार है। जी हां, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के धार्मिक मामलों के सलाहकार ने कहा कि देश में एक ही समय में उपवास और पूजा करने में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने एक सौहार्दपूर्ण देश के निर्माण का आह्वान किया, जहां सभी धर्मों के लोग पीसफुली शांतिपूर्ण ढंग से एक साथ मिलकर रह सके। तो वहीं बता दें, चेहरा दिखाया तो चमड़ी उधेड़ देंगे। जी हां, अफगान महिलाओं पर नए तालिबानी हुक्म से मच गया बवाल, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन भी हो गया चिंतित। दोस्तों अफगानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है, आम लोगों खासकर महिलाओं की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। ताजा फरमान कुछ ऐसा है कि उसमें तालिबान के अंतरिम सरकार ने इस्लामी कानूनों में नया फेरबदल करते हुए महिलाओं के लिए और सख्ती बढ़ा दी है। दोस्तों इसके मुताबिक अगर कोई महिला घर से बाहर निकलती है तो उसे अपना चेहरा भी ढकना होगा, वो किसी से बात नहीं कर सकती, अगर उसकी आवाज भी निकली तो चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। तालिबान के इस नए कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र मिशन ने आपत्ति जताई। उसने रविवार को कहा कि वो तालिबान अधिकारियों द्वारा हाल ही में जारी किए गए नैतिकता कानून को लेकर चिंतित है। अब इस कानून से आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि तालिबान के शासन में अफगानिस्तान की महिलाएं कितना ज्यादा अपने आप को हथकड़ी पहने हुए जेल में बंद जैसा महसूस कर रही होंगी। जी हां दोस्तों, जहां उनको बिल्कुल भी आजादी नहीं है, चेहरा तक नहीं दिखा सकते, आवाज तक तुम्हारी नहीं निकल सकती, अगर ऐसा हुआ तो उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। नए नए कानून लेकर आ रहा है तालिबान, जो महिलाओं के लिए किसी जेल से कम नहीं है। दोस्तों इस पर आपकी निजी राय क्या होगी, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए, सबका हिसाब होगा। जी हां, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बयान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के जलगांव में रविवार को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया। मोदी जी ने कहा कि आज मैं एक बार फिर देश के हर एक राजनीतिक दल से कहूंगा और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था हो, जिस भी स्तर पर जिस भी लेवल पर लापरवाही होती है उसका हिसाब होना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी का यह बयान वाकई में देश की महिलाओं के लिए एक सुरक्षा का भाव जरूर पैदा करेगा। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं जिस प्रकार से अभी तक बंगाल में हुए उस हादसे, बंगाल में हुए उस महिला के साथ रेप के मामले पर विपक्षों ने अभी तक मुंह नहीं खोला है, दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है। अन्य मामलों पर बड़ी जल्दी विपक्षी बयान दे देते हैं, लेकिन इस मामले में अभी तक उन्होंने एक बार भी किसी ने भी जुबान नहीं खोला, इस पर आपकी राय तो बनती है। दोस्तों तो वहीं ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। दोस्तों वीडियो को जितना ज्यादा आज हो सके शेयर करिएगा, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके दोस्तों और भारत को परिवर्तन की ओर लेकर जा सके। जय हिंद।